हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम ये डायरेक्ट ड्राइव मशीन रिपेयर करेंगे। ये 12 किलो की मशीन है एलजी की। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मशीन में पानी आता है तो इसमें पानी स्टोर नहीं हो रहा और पानी का लगातार ड्रेन हो जा रहा है। तो चलिए मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम पानी का लेवल कम कर देंगे और मशीन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद वेट करते हैं मशीन पानी लेने की। तो चलिए मशीन स्टार्ट हो गई है। मशीन वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं और चेक करते हैं। तो मशीन ने पानी लेना शुरू कर दिया। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा पानी लेने दो मशीन को, फिर हम चेक करवाते हैं। ये पानी इसका स्टोर नहीं हो रहा और लगातार जो ड्रेन पाइप है इसकी वो पानी निकले जा रहा है इसमें। यहाँ पे जो वाश का प्रोग्राम चल रहा है ये इसकी ड्रेन पाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मशीन पानी ले जा रही है और साथ में ड्रेन पाइप में से जो पानी है वो निकले जा रहा है। इसमें पानी रुकना चाहिए तभी ये मशीन आगे वर्क करेगी। तो चलिए हम मशीन को बंद कर देते हैं, उसकी पावर केबल भी निकाल देते हैं और टैप का कनेक्शन बंद करके इसकी जो टैप पीछे पाइप है उसको भी खोल देंगे। अभी हम मशीन को नीचे लिटा देंगे और उसकी बैक साइड से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो हमने इसका जो बैक कवर है ये भी खोल लिया और नीचे जो रेट मैश कवर है वो भी खोल दिया है। तो अभी हम यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक व्हील है इसको खोलेंगे। इसके लिए पीछे नट लगा हुआ है, इसको हम रेंच की मदद से खोलेंगे नट को। खोलने का बहुत ईजी तरीका, ऐसे नट सॉरी रेंच को आपने इसमें नट में फंसा लेना है और उसके हैंडल पे हथौड़ा मार के उसको खोलना है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा था तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। ऐसे नट खोल जाएगा। खोलने के बाद आपने जो है दोनों हाथों से स्लाइड करके इसको पीछे बाहर निकाल लेना है। पीछे को इसको ऐसे खिसका लेना दोनों हाथों से। तो ये मैग्नेटिक व्हील बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक व्हील को बाहर निकालने के बाद इसमें जो सामने आपको जो कॉपर कोयल दिख रही है ये इसकी मोटर है डायरेक्ट ड्राइव। तो हमने क्या करना है, इसको पॉलीथीन या कपड़े से इसको कवर कर लेना ताकि जो हम इसकी जो जब ड्रेन असेंबली खोलेंगे तो इसमें उसका जो पानी होता थोड़ा बहुत वो मोटर के ऊपर ना डले। इसलिए हम इसको कपड़े से या आप पॉलीथीन वगैरह लेके इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ये ड्रेन रबड़ है, हम ये हटा लेंगे इसको। ये यहाँ पे असेंबली के साथ लगी होती है। ठीक है, तो रबड़ हटाने के बाद सामने ये ड्रेन असेंबली है, हम इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे इसके दो नट लगे हुए हैं 10 नंबर की टी गोटी से खुल जाएंगे। तो जब भी हम ये दोनों नट खोल लेंगे, ये हमारे पास गुट्टी है 10 mm की। तो चलिए इसकी ड्रेन असेंबली हमने बाहर निकाल ली है। वैसे ये मशीन नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी चमक रही है ये मशीन, कोई डस्ट वगैरह नहीं है इसमें, बट फिर भी इसमें पानी लीक हो रहा है। इसका लीक होने का कारण ये हम बता देता हूँ, क्योंकि मशीन का ये अंदर स्प्रिंग लगा होता है जो डंपर रबड़ के साथ होता है वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो इसकी जो डंपर रबड़ प्रॉपर प्रेस नहीं हो पाती, इसलिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा लीक होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। ये प्लास्टिक का लॉक लगा हुआ है, इसको हम प्लास की मदद से खींच लेंगे और इसको लॉक को हटाएंगे सबसे पहले प्लास से। तो ये प्लास्टिक का लॉक है, उसके बाद ये अपने आप डंप रबड़ बाहर आ जाएगी। तो हम इसको डंप रबड़ को बाहर निकालेंगे। इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को हम चेंज करेंगे। हमारे पास ये एक और स्प्रिंग है, ये इससे हार्ड है स्प्रिंग,
इसकी जगह हम ये हार्ड वाला स्प्रिंग लगाएंगे। इस स्प्रिंग की वजह से ये डंपर अपने आप पूरी प्रेस हो जाएगी और इसमें पानी लीक नहीं होगा। ये स्प्रिंग का डाया थोड़ा छोटा है तो अब हम इसको प्लास की मदद से थोड़ा खोल लेंगे ताँ जो इसमें इजीली फिट हो जाए। तो हम इसको इसमें फिट कर देंगे। अभी फिट करने के बाद इसका जो लॉक है वो हम लॉक लगा देंगे इसमें प्लास्टिक का ताँ जो इसका वो स्ट्रिप है वो बाहर ना आए। तो ऐप से ये टाइट हो जाएगी रबड़ पूरी। अभी इसमें पूरी अच्छे से ये फिट हो जाएगी। तो चलिए हम इसमें वापस फिर से इसको असेंबली को फिट कर देते हैं टाइट करके। तो हमने इसको असेंबली में फिट कर लिया वापस। तो इसकी जो स्ट्रिप है वो सामने आपको ड्रेन मोटर दिख रही है, ये इसकी ड्रेन मोटर है। इसके प्लंतर में ये फंसनी चाहिए इसकी स्ट्रिप, तभी ये ड्रेन मोटर काम करेगी, पानी ड्रेन करेगी। तो अभी हमें इसके नट बोल्ट लगा के इसको वापस फिर से चेक करते हैं मशीन को। तो सारा हमने असेंबल कर लिया, तो अभी हम मशीन को ऑन करके फिर से चेक करते हैं इसमें पानी जब मशीन में आता तो वो स्टोर हो रहा है जब ड्रेन हो रहा है। तो चलिए हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया, तो हम चेक करते हैं अभी दोबारा। वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ। तो फिर मशीन ने पानी लेना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पानी लेने दे देते हैं अभी, फिर चेक करते हैं। चलिए अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि इसमें पानी स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसकी बैक साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पानी बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा। तो वो स्प्रिंग की वजह से ये इसमें मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो स्प्रिंग लूज़ हो गया था इसलिए वो डंपर को प्रॉपर प्रेस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं मशीन पानी लगातार ले रही है। तो ये स्प्रिंग की प्रॉब्लम है लगभग सभी टॉप लोड मशीनों में आती है, ये लूज़ हो जाते हैं स्प्रिंग ऐसे ही। तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।